स्ट्रगल आज तक देखा है। लास्ट अपने ब्लॉग में मैंने अपना बताया कि इतना स्ट्रगल होता है भाई, जी लो जी लो। इसमें भी यही मैं मोटिव लेके बता रहा हूँ आपको कि लाइफ जीनी चाहिए भाई। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये है कि भाई स्ट्रगल पूरी लाइफ खत्म नहीं होता। अकेली इसकी लाइफ नहीं है, मैं तो नहीं गया ना अंदर, मेरा खत्म नहीं हुआ। उससे अच्छा कमाया तब भी मेरा खत्म नहीं हुआ। हाँ, मेरी भी एक छोटी सी समरी बताऊंगा मैं आपको किसी ब्लॉग में। तो समझो लाइफ है क्या। लाइफ संघर्ष तो है, मगर संघर्ष कैसे करना है आपको खुद आपके ऊपर डिपेंड करता ही है। आप इसको ज्यादा हेडेक ले लोगे तो हेडेक आएगा, एंजाइटी परेशानी में रहोगे तो एंजाइटी परेशानी नहीं में। ये होता है कि भाई अभी कुछ टाइम देखना पड़े तो, मगर वो कुछ टाइम लंबा टाइम बन जाए ना तो समझो वो रास्ता अच्छा नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ। अगर तुम कम छोटा काम कर रहे हो, फैमिली वाले पर्सन हो, तो कुछ साथ में कुछ भी आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ, घोड़े दौड़ाओ दिमाग के, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम साइड में स्टार्ट करो। और नहीं तो यूट्यूब स्टार्ट कर लो भाई, फेसबुक पे ये डालने लग जाओ, क्योंकि ये भी एक साइड बिजनेस ही हो गया, इससे लाखों भी कमा रहे हैं बंदे। तो आप इसको क्या ही कह सकते हो भाई, करो लाइफ में स्ट्रगल करो, आगे चल के देखो। यूट्यूब भी मैं बता रहा हूँ, हर कोई यूट्यूब पे आ जाएगा। अभी भी आग लगी हुई है यूट्यूब के ऊपर। जब स्टार्टिंग में यूट्यूब था तब ना तो कोई बैन हो रहा था ना कुछ हो रहा था, तब भी मैंने सोचा कि स्टार्ट कर लो, फिर घर वाले ये करेंगे वो करेंगे, पैसा दो वैसा दे। तो ये भाई सारी लाइफ चलती है। अभी भी मैंने गोप्रो ना बस इसीलिए खरीदा कि ये स्ट्रगल ना मेरा खत्म होने वाला है नहीं, ये चलता ही रहेगा। तो अभी स्टार्ट करूंगा कुछ टाइम के बाद में, तो उस टाइम मैं स्टार्ट कर लेता तो आज के टाइम मिलियन में भी होते, पैसे भी कमाते, सारे काम होते। मेरे पास स्किल्स हैं, 10-11 साल से मैं डिजाइनिंग वे में काम कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, उसमें इतनी सफाई नहीं कर पा रहा, बस जल्दी जल्दी कर दो, बना दो और डाल दो। अपने काम के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अगर मैं वो काम तब स्टार्ट करता जैसे भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, अब तो बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं। मेरे से बाद में आए हुए बंदे भी अगर देखोगे तो वो भी ना, वो भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं यूट्यूब से, बाद में आए, जिनको मेरे से नॉलेज है भी नहीं और नॉलेज भी ज्यादा गेन कर चुके हैं। रास्ता ऐसा पकड़ो भाई जहाँ वो हो रहा है काम। लाइफ को धक्का मत दो, सीधी सी बात ये है, कम कमाओगे ठीक है, हाँ ऊपर वाला देता है भाई, भूखा नहीं मारेगा। करते रहोगे तो भूखा नहीं मारेगा, घर पे बैठोगे तो भाई कुछ नहीं कह सकते इस चीज को, ठीक है। कोई किसी का रिलेटिव नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है, सच्ची बात तो ये है, सबको पता है। जिसके ऊपर बीतती है वो झेलता है, वो उसको पता है। तो इस ब्लॉग को यहीं स्टार्ट करते हैं और यहाँ से परचेज करना है, उसके बाद आगे चलते हैं।